अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद ऑफिशियल चैनल से। मैं इस टाइम मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर दारुल सेहत के बिल्कुल सामने, और मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ रिपोर्ट करने लगा हूँ। और आज तारीख है छः तारीख है, दसवां महीना 2022, ठीक है जी, और जुमेरात का दिन है। तो मैं दारुल सेहत के बिल्कुल ऑपोजिट रोड के ऊपर, जो कि बंद हो गया है रोड, और वहाँ पे दारुल सेहत की पार्किंग बनी हुई है, उसके बाद से मैं आपको यहाँ से अपडेट करता हूँ। कुछ चीज़ बड़ी ख़ास है, ये हमारे सोल ब्रदर्स के लिए भी है, सोल ब्रदर्स के लिए, ताकि आसानी हो जाए, और दूसरा कि हमें भी आसानी हो जाए कि जो हमारा मामला था, हमारे साथ रॉबरी केस का मामला हुआ है गाड़ी का, वो भी क्लियर हो जाए। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़ और दारुल सेहत के भी कमाल। आप ये है दारुल सेहत अस्पताल, और ये है वो रोड आने वाला, यहाँ से आने वाला गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 14 का रोड है ये, ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर दारुल सेहत अस्पताल। और ये रोड बंद है, और ये पार्किंग इस टाइम बनी हुई है, टोटल जीनत बनी हुई है दारुल सेहत की, ये पार्किंग टोटल जीनत दारुल सेहत की बनी हुई है। और हमारे पास दारुल सेहत में वो मस्जिद के बाहर आपको दो कैमरे नज़र आ रहे होंगे, और एक कैमरा वो ऊपर दारुल सेहत का ये आ रहा है एक कैमरा, और दो कैमरे ये मस्जिद के आ रहे। और ये स्पॉट चीपा का, जहाँ पे हमारी इंडस करोला खड़ी हुई थी, ठीक है जी, इंडस करोला 2000 मॉडल ADB 922, गाड़ी का नंबर है टोयोटा इंडस करोला, मेटैलिक कलर है उसका, मेटैलिक गन मेटैलिक। और इंडस करोला यहाँ से कल दोपहर को हमारे बड़े भाई शेख शाहिद जावेद साहब अपनी वालदा से, हमारी अम्मी से मिलने के लिए आए थे, जोहर की नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, और फिर ऊपर चले गए अस्पताल में, और मगरिब के वक्त उतरे तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। गाड़ी की जगहें ये देख लें, वो रहा हमारा स्वीट्स, आपको स्वीट नज़र आ रहा होगा, फैसल स्वीट्स और ये दारुल सेहत, बीच में फैसल बैंक है, ये चीपा का स्टॉल है। गाड़ी की लोकेशन थी बिल्कुल एग्जैक्ट ये, और यहाँ से अभी दरक ये जो बीच में आ रहा होगा आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अलावा दारुल सेहत का वो कैमरा और दारुल सेहत का ये कैमरा, ये व्यू नज़र आ रहे हैं। एक व्यू मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने स्वीट्स वाले से लिया है, उसके अच्छा पास कैमरा लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से इस यू टर्न के पास, और ये दो यू टर्न है, दोनों तरफ गाड़ी नहीं गई, गाड़ी गई है सीधी, जो मुझे लगता है जो मेटैलिक जो हमारी गाड़ी का एक कैप्चर मैंने तस्वीर कैप्चर की है उनके CCTV कैमरे से, वो यहाँ से जाते हुए इंडस करोला की। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं दारुल सेहत की इंतज़ामिया से कह रहा हूँ कि मुझे सिक्योरिटी कैमरे दिखाए जाएं ताकि मुझे पता चले, तो वो कोई कहता है कि ये कैमरे ख़राब हैं, कोई कहता है कि इनके बीच में दरख्त आ रहा है, कोई कह रहा है कि आपकी गाड़ी नहीं यहाँ खड़ी हुई नज़र आ रही, दरख्त बीच में आ रही है, इनका इंतज़ामिया है, गाड़ी खड़ी करने की इनको जगह मिली हुई है, कमाने की पड़ी हुई है इनको, एक ज़रा सी पेमेंट लेट हो जाए दवाई पेशेंट को जाती नहीं है, मगर इंतज़ामिया ये है कि इनके कैमरे सही कराने के लिए इनको जगह नहीं। इनकी मेन इंतज़ामिया में शहजाद साहब होते हैं, वलीद साहब होते हैं दारुल सेहत की, उनसे मुझे पता चला है, वहाँ पे एक कैमरे पे लड़का बैठता है जुनेद, गुलिस्तान जौहर थाने के अंदर हमने भी कंप्लेन डाली हुई है, पलवान गोड पे जो होता है नवाज शरीफ फ्लैट के बराबर में, दूसरा हमने डिग रोड थाने में ASI काशिफ साहब को कंप्लेन करवा दी है, CPLC में भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अब आप ये देख लें, ये जो रोड है अनसेफ है, कितना ज़्यादा के स्नैचिंग तो हो रही है मोबाइलों की, मगर गाड़ियाँ भी नहीं यहाँ बच रही हैं गुलिस्तान ब्लॉक 14 के अंदर। और हस्पताल का इंतज़ामिया भी कुछ नहीं कर सकता, बाहर खड़े लोग भी कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पे कौन किसके साथ मिला हुआ है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस, ये हमारा नाकिस निज़ाम है सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हमारा कराची है, ये सिंध हमारा है, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सिंध को, नाहिल लोग, नाहिल इंतज़ामिया दारुल सेहत का, और हम सबसे ज़्यादा कसूर खुद हम हैं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये दारुल सेहत का
मेन मस्जिद का फ्रंट रोड्स के कैमरे के लगे हुए हैं कैमरे। एक व्यू ये है, यहाँ खड़ी थी जहाँ ग्रिल एंड हो रही है इंडस, और ये सामने चीपा का ऑफिस, और ये रे दारुल सैद के दो कैमरे ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने, एक कैमरा वो रहा एक ऊपर। ये निज़ाम है, तबाह बर्बाद निज़ाम। ये यहाँ सिविल वर्क का काम चल रहा है, सारी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, गवर्नमेंट खाते खुले हुए हैं, वो ट्रेनें काम कर रही हैं, रोड तोड़ दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रेंजर्स नहीं, कुछ नहीं, चोरी चकारियाँ, गाड़ियाँ स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग दारुल सैद के बाहरों बाहर ही हो रहे हैं। ये सारा ये पूरा रक्षा माफिया भी खड़ा हुआ है, पूरा सबकी चीपा बैठा हुआ है। ये हालो हाल है रोड का भाई, ये सूरत हाल है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई निज़ाम नहीं है। करोड़ों रुपए के ठेके पास कराए गए प्राइवेट वर्कर, वो सिविल खुदाइयाँ कर रहा है, ये प्राइवेट अस्पताल अपनी कमाइयाँ कर रहा है, सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बाहर चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी लोगों के लिए किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तबाही मचा के रख दी है मुल्क की, कराची शहर की, ये सूरत हाल है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, ख़ुद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद इस शहर का बानी हूँ, इस मुल्क का बानी हूँ, पाकिस्तान का, और हमें अच्छा सहूलत नहीं मिलती क्योंकि हम खुद भी नहीं बोलते, हम खुद जाके नहीं लड़ते अस्पतालों से, नहीं खुद जाके लड़ते स्कूलों से, नहीं खुद जाके लड़ते इस निज़ाम से, जो ख़राब निज़ाम है, चोरी का निज़ाम, करप्शन का निज़ाम, बेकार तरीन निज़ाम जिसने तबाह बर्बाद कर दिया है। रोड पे खड़े हुए लोग अनसेव हैं, ठीक है, गाड़ियाँ खड़ी हुई लोगों की अनसेव हैं, हम लोग की जाने अस्पतालों में अनसेव हैं, हम लोग टोटल अनसेव हैं, बस लोगों को बिल बनाने की पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मगर ये है कि कोई आगे बढ़ के कोई इसके लिए बारे में नहीं सोच रहा। खुदाया खुदाया, एक तो ये हमारी इंडस करोला 2000 मॉडल ADV 2000 मॉडल मेटालिक कलर की है, ठीक है जी, तो ढूंढने में हेल्प करें, हमारे सोल ब्रदर्स पे भी ऐड चल रहा है, ठीक है, तो पुलिस को भी बोल दिया गया है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाड़ी की कुछ तस्वीरें, और उसके बाद मैं जो मैंने व्यू कैमरे का वहाँ से लिया है स्वीट्स की दुकान से, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और उनकी उनकी सपोर्ट है कि उन्होंने हमें थोड़ा सा देखने दिया और दिखाया। अब बाकी इंतज़ार करते हैं कि ये दारुल सैद वाले भी दिखाते हैं कि नहीं, तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जाकिर को खुदा हाफिज़ कहें, अस्सलाम वालेकुम, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको याद रखूँगा। फैसल स्वीट है, ये दारुल सैद है, यहाँ से मैं यहाँ आया, इनके पास कैमरा लगा हुआ था, यहाँ पर ये यू टर्न है और यहाँ से गाड़ी यू गई है। अभी आगे अगर कबाब जीज भी जाएँ तो वहाँ पर शायद ये फुटेज मिल जाए मज़ीद। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आएगी, अब आएगी, ये गई बस, अब आएगी, ये गई ये।